हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आज आप लोगों के लिए म्यूज़िक थ्योरी रिलेटेड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, तो जो कि आप सभी को देखना चाहिए। दोस्तों देखिए, जो लोग वंगीय संगीत परिषद से 2023 टू 24 फॉर्म फिलअप किए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उन लोगों को बता दूँ कि बहुत ही जल्दी ही एग्ज़ाम का डेट पड़ने वाला है। तो अभी भी डेट कोई फिक्स हुआ नहीं, जब भी होगा मैं बोल दूँगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा एग्ज़ाम देने के लिए। जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं तो उन लोग का ही मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए आप लोग, जो लोग अध्याय मध्या पूर्ण ग्रेड वन ग्रेड टू एग्ज़ाम देने जा रहे, आप संगीत हो, तबला हो, म्यूजिक हो, कोई भी कैटेगरी में, ये सभी के लिए एक क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है। बंधुरा तुम्हारा जरा 2023 टू 24 বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ থেকে এক্সামের ফর্ম ফিল আপ করেছো, এক্সাম দিতে যাচ্ছ, তাদের একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি আজ দিতে যাচ্ছি। তালের জ্ঞান 6-7 নম্বর কোশ্চেনটা, তোমরা এই ভিডিওটা দেখো আর আশা করব একদম ইজিলি তোমরা এটাকে সলভ করে নিতে পারবে। আর বলে দিচ্ছি, এই কোশ্চেন কিন্তু জিজ্ঞেস করবে, তো এখন থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু করে দাও। তো চলো শুরু করা যাক। 3/3 কো দাদরা তাল হাম লোক বলতাম, इसका मात्रा संख्या होता है 6। तो पहले हम लोग दादरा ताल के बारे में जान लेता हूँ, लेकिन ऐसे बोलने से होगा नहीं, और क्योंकि हाथ में हम लोग को ताली और खाली करके दिखाना पड़ता है टीचर को, तो वो कैसे दिखाएंगे, तो वो ही मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो 3/4 बीट को पहले जान लीजिए, दादरा ताल बोला जाता है हिंदी और बंगाली में, और इसको इंग्लिश में वाल्स बीट। इसका काउंटिंग क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, और हम लोग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे चलेगा। तो ये दादरा ताल हो गया। तो दादरा ताल का मात्रा संख्या हो गया 6, और इसको हाथ में कैसे दिखाएंगे वही दिखा रहा। तो चलिए फॉलो कीजिए साइड में नोट्स एंड मेरा फिंगर फॉलो कीजिए। देखिए मैं कैसे दिखा रहा हूँ, आप लोगों को भी लर्न कर लेना है प्लस हाथ में दिखाना है। तो दोस्तों हम लोग जो ताली ऐसे करके दिखाने जा रहा हूँ, इसको ठेका बोला जाता है। तो दादरा का ठेका क्या है, पहले आप लोग बोलेंगे कि दादरा मात्रा संख्या 6, और इसका हाथ में ताली खाली में दिखाने जा रहा हूँ। धा धीन्ना ना तीन्ना धा लिखा हुआ, तो पहले क्या था, धा में ताली, तो धा में ताली करूँगा। क्रॉस लिखा हुआ है, देखिए क्रॉस का मतलब हो गया ताली वहाँ पे, और नीचे जहाँ पे जीरो लिखा हुआ मतलब खाली, तो जहाँ पे क्रॉस लिखा हम लोग ताली करूँगा, और जहाँ जीरो लिखा वहाँ पे खाली करूँगा, ऐसे हाथ उठा दूँगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, तो आप लोग भी इजीली सीख जाएंगे। तो धा में हम लोग ताली था, धा ऐसे दिखाएंगे, धा, फिर धीन ना, धीन ना में क्या होगा, टैपिंग करेंगे, ये हुआ फिंगर हो गया टैपिंग, ये इंडेक्स एंड मिडिल ऐसे करके टैप करेंगे। तो धा धीन ना, फिर ना के नीचे जीरो खाली, ना में हाथ उठा दूंगा ना, फिर तीन में तीन ना, लास्ट में धा, तो लास्ट में जो पहले वाला है वही लास्ट में आ जाएगा। तो पूरा दिखाता हूँ एक बार, धा धीन ना, ना तीन ना धा। तो फिर पूछा जाता है इसमें ताली और खाली कितना है, इसमें सभी गलती कर जाते हैं, सब कोई बोलता है कि 2 ताली एंड 1 खाली, असल में ये 1 ताली 1 खाली था। तो कैसे देखिए, धा में ताली दिया था, धा धीन ना, फिर ना में हम लोग खाली किया था ना, तीन ना, लास्ट में वही धा शुरू का धा भी आया था ताली, तो उसको हम लोग काउंटिंग करूंगा नहीं, तो एंड करने के लिए ताली दिया था, असल में जो शुरू का ताली था वो 1, ना में खाली था 1। तो दादरा ताल मात्रा संख्या 6, और इसका ताली 1 खाली 1, आप लोग ऐसे बोलेंगे। तो हो गया, हम लोग दूसरा में जाता हूँ, कहारवा में, कहारवा भी फॉलो कीजिए साइड में। कहारवा मतलब हो गया 4/4 जितना बीट के ऊपर हम लोग सॉन्ग बजाता हूँ या म्यूजिक बजाता हूँ, हिंदी या बंगाली में कहारवा बोला जाता है। इसका मात्रा संख्या होता है 8। कैसे देखिए, धा गे ना ती ना को धी ना हो गया, लास्ट में वही धा आ जाएगा। ये बीट को बैलेड भी बोला जाता है, BALLAD। तो देखिए वर्ल्ड पे जितना भी म्यूजिक होता है या सॉन्ग होता है, मैक्सिमम कहारवा के ऊपर होता है, ये 4/4 बीट के ऊपर होता है। तो चलिए एक बार हम लोग ताली खाली में देख लेता हूँ। तो पहले क्या था, धा में ताली देखिए क्रॉस, गे ना ती टैपिंग किया, फिर ना में खाली ना, फिर
टाइपिंग को धी न धा, धा में वही धा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वापसी, तो 8 मात्रा हुआ। तो काहारवा का मात्रा संख्या 8, और इसमें ताली खाली कितना है, देखिए फर्स्ट ताली था धा गे ना ती ना को धी ना धा, तो एक ताली एक खाली, काहार बाबे भी एक ताली एक खाली था। नेक्स्ट हम लोग चलता हूँ त्रिताल में, जो लोग आद्या दे रहे हैं उन लोग के लिए 3/3 एंड 4/4 दादरा एंड काहारवा था, और जो मध्य दे रहे जा रहे उन लोग का देखिए लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को त्रिताल दिया गया है। तो त्रिताल में क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए, तो त्रिताल का मात्रा संख्या होता है 16। तो कैसे करके साइड में दिया गया देखिए, और मैं हाथ में पूरा दिखा दें, धा फिर टैपिंग करिए धीन धीन धा, वापस फिर धा धीन धीन धा ना तीन तीन ना, फिर टेटे में एक ताली है टेटे धीन धीन धा, तो क्या था धा धीन धीन धा धीन धीन धा ना तीन तीन ना टेटे धीन धीन धा धा। दोस्तों मैं जैसे करके दिखाया आप लोगों को, लेकिन ऐसे करके दिखाना है, वहाँ पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन करेगा कि आपको ताल का नॉलेज है कि नहीं, कोई ताल के बारे में जानते हो, तो आप लोग हाँ बोलेंगे, तो कौन सा दादरा या काहारवा या त्रिताल, क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को मैं बोल दिया हूँ। ऐसे करके आप लोग लर्न कर लीजिए, अभी से लर्न कर लेने से बहुत जल्दी आप लोग ये सीख जाएंगे, एंड बोलना प्लस हाथ में दिखाना, तो ये याद नहीं रहता, आप लोगों को ये डेली करना पड़ेगा। देखिए एग्ज़ाम बहुत ही पास में, कभी भी एग्ज़ाम का डेट पड़ सकता है, इसीलिए अभी से आप लोग लर्न करना ये चालू कर दीजिए, और जो क्वेश्चन है आशा करता हूँ सब कोई सॉल्व कर लिया होगा। तो एग्ज़ाम का डेट जिस दिन भी पड़ेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और आप लोग जो क्वेश्चन पकड़ के जो जो है आप लोग वो प्रैक्टिस करते रहे, जो भी कैटेगरी में आप लोग पियानो हो चाहे गिटार हो या सिंगिंग के, अपना अपना जो सिलेबस है वो आप लोग अभी से करते रहे, क्योंकि जुलाई महीना में एग्ज़ाम होगा मैंने बोला था, तो अभी भी वहाँ से ब्रांच से कोई कॉल आया नहीं, बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग रेडी रहे। दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि दूसरे को भी सीखने का मौका मिले, और साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो इस टाइप का अपलोड करूँ आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो नेक्स्ट मिलता हूँ फिर दूसरे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।